नमस्ते बाल मित्रों, धोरण छ विषय हिंदी, पाठ एक, दयालु शिकारी। तो बाळको, आपणे आमां कई कई कहानी जोई? तो पेली दयालु शिकारी अने बीजी कहानी बातुनी कछुआ। तो हवे आपणे त्रीजी कहानी कई जोई? तो के बुद्धिमान कौवा। जो अहीं आपणे चित्र आपेला छे एना आधारे कहानी बनावानी छे। तो कि बुद्धिमान कौवा, बुद्धिमान कौवा एटले के चतुर कागड़ो। तो आपणे आ चित्रना आधारे कहानी बनावीए। तो जोईए पहला चित्रमां शुं आपेलुं छे। तो कि एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। तो आमां शुं कहेवा मांगे छे कि एक कागड़ो हतो अने एने खूब ज तरस लागी हती। ए आम तेम जोवे छे तो पण एने क्यांय पाणी मळ्युं नहीं। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। आखिर ए छेले ए उड़तो उड़तो एक झोपड़ी पासे पहुंच्यो। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वहां त्यां एक एने एने घड़ो जोयो। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कोई की चाच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। घड़ो तो एमां पानी खूब ज नीचे हतुं, तेम के ऊंडू हतुं, अने एनी चाच एने त्यां पहुंचती नहोती। पानी ऊपर आने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। पानी एने ऊपर जोतुं हतुं, एने पीवुं हतुं, एटले एने एक विचार कर्यो के एने उपाय गोत्यो। वहाँ आसपास बहुत से कंकर पड़े हुए थे। त्यां एनी आजूबाजू जोयुं, त्यां एने घणा बधा पत्थर जोवा मळ्या। उसने एक एक कंकर घड़े में डालना शुरू किया। एमांथी एने एक एक पत्थर एने उपाड्या अने ए घड़ामां नाखवा लाग्यो। कंकड़ों के कारण पाणी घड़े के बहुत मुँह तक आ गया। कंकड़ एटले के पत्थर एने घड़ामां नाख्या एटले पाणी ऊपर आवी गयुं अने कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। पछी पानी ऊपर आव्यु एटले कागड़ाए पानी पी लीधु अने एने तरस छुपावी अने ते आकाश में उड़ी गयो। जोयुं ने बाळक, केटली सरस मजानी कहानी छे। आगळ कई कहानी आपेली छे? प्रश्न 3, कौवा और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए। जो अहीं कौवा अने लोमड़ीनो चित्र आपेला छे, तो तेमांथी आपणे कहानी बनावीने लखवानी छे। तो आपणे जोईए कहानी। तो पहला चित्रमां कागड़ो शुं करे छे? एक बार एक कौवा को एक रोटी मिली। एक बार एक कागड़ो हतो, एने एक रोटली मळी। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ के डाल पर जा बैठा। वह रोटली लईने उड़तो उड़तो एक झाड़ ऊपर बेसी गयो। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। इतले एटली वार में एक लोमड़ी हती ए झाड़ नीचे आवी। एटलामां एक शियाळ ए कागड़ा बैठो हतो ते झाड़ नीचे आव्यो। इतने में उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। जे कागड़ाए रोटली एना मुँह में पकड़ेली हती एनी नज़र त्यां गई। उसके मुँह से पानी आ गया। एने रोटली जोई एटले शियाळना मुँह में पानी आवी गयुं। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी ले लूँ। एने विचार्यू के हूँ कागड़ा ने मूर्ख बनाई दो अने हूँ रोटली लई लऊं। लोमड़ी ने कौवे से कहा। लोमड़ी हतो एटले के शियाळ हतो, एने कागड़ा ने कीधुं, कौवा भाई कोई गाना सुनाए ना। एने लोमड़ीए शूँ कीधुं के कागड़ा भाई, मने एक गीत संभळावो ने। आपका गाना मुझे बहुत ही मीठा लगता है। ई शियाळ शूँ कहे छे के तमारुं गीत मने बहु ज मीठू लागे छे। कौवा लोमड़ी की लाल चालाकी समझ गया, एटले के कागड़ो हतो ए शियाळनी चालाकी समझी गयो। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए वह नाटक करा है। कागड़ा ने थयुं के शियाळ रोटली खावा माटे नाटक करे छे। कौवे ने अपनी चाँच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली। कागड़ो हतो एने जे मोमा रोटली पकड़ी हती ए एने पगमां पकड़ी लीधी अने जोर जोर से पछी गावा लागे, एटले पछी जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गया। अरे, यह कौवा तो बहुत समझदार है। एटले शियाळे आ जोयुं एटले एने तो चकित थयो के आ कागड़ो तो बहुत समझदार। ऐसा वह मन मन ही बोली और चलती बनी। ऐसा ई मनमां बोली शियाळ मनमां बोल्यो अने त्यांथी ए जती रही। फिर कोई ने मजे से रोटी खाई। पछी शियाळ वयो गयो एटले कागड़ाए मजाथी एटले के एने रोटली खाई गयो।
कहानी पछी प्रश्न चार, प्रश्न बे और तीन में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? तो बाळको तमने आ बे कहानीमांथी तमने कई कहानी गमी अने केम? तो तमारे तमने जे कहानी गमी होय एना विशे तमारे लखवानुं छे। छी छे प्रश्न पांच, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। जो तमने अहीं शब्द आपेला छे अने एना अहीं अर्थ आपेला छे, विरोधी शब्दना अर्थ आपेला छे, एटले के तमारे एमांथी गोतीने पछी वाक्य प्रयोग करवानो छे। तो जो उदाहरण तरीके पहेलू कयो छे, दयालु। दयालुनो विरोधी शुं थाय? तो के निर्दयी। तो दयालुनो वाक्य शुं बने? दयालु मनोजने आहत चिड़ियाको बचाया। पछी एनु विरोधी निर्दयी, तो निर्दयीनुं वाक्य शुं बने? शिकारी निर्दयी होते हे। शिकारी निर्दयी होते हे। तो पछी छे, पछी कयो शब्द छे बीजो? तो के बहुत। बहुतनो विरोधी शुं थाय? तो के थोड़ा। बहुतनो विरोधी थाय थोड़ा। बहुत, तो बहुतनो वाक्य शुं बने? तो के कौवा बहुत प्यासा, कौवा को बहुत प्यास लगी थी। अने थोड़ानो वाक्य शुं बने? घड़े में थोड़ा पानी था। पछी त्रीजो शब्द कयो छे? तो के स्वस्थ। तो स्वस्थनो विरोधी शुं छे? तो के अस्वस्थ। तो स्वस्थनो वाक्य शुं बने? तो के हिरनी स्वस्थ हो गई। तो के स्वस्थनो वाक्य बने के हिरनी स्वस्थ हो गई। तो पछी अस्वस्थनो वाक्य शुं बने? मेरा कुत्ता फल से अस्वस्थ हे। पछी चौथो शब्द कयो छे? तो के खुश। खुशनो विरोधी शब्द कयो थाय? तो के ना खुश। तो खुशनो वाक्य शुं बने? कौवा पानी पी के खुश हो गया। अने ना खुशनो वाक्य शुं बने? पानी ना मिलने पर कौवा ना खुश हो गया। पछी पांचमो शब्द कयो छे? तो के जन्म। तो जन्मनो विरोधी शुं थाय? तो के मरण। तो जन्म छे एनुं वाक्य शुं बने? हिरनीने बच्चे को जन्म दिया। पछी मरणनुं वाक्य शुं बने? तो के सरदार पटेल की मृत्यु हृदयघात से हुई थी। पछी छठ्ठो वाक्य, छठ्ठो शब्द कयो छे? बुराई। तो बुराईनुं विरोधी शुं थाय? तो के भलाई। तो बुराईनुं वाक्य शुं बने बाळको? बुराई करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। अने बुराईनुं विरोधी कयुं? भलाई। तो भलाईनुं वाक्य शुं बने? हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। पछी छे प्रश्न छ, नीचे दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। बाळको संज्ञा एटले शुं थाय? तमने खबर छे, आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्तिनु नाम वस्तु स्थान या भाव हो तो तेनी नीचे ए संज्ञा कहेवाय छे, तेनी नीचे आपणे अंडरलाइन करवानी छे। तो जो उदाहरण तरीके शुं आपेलुं छे, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो व्यक्ति, व्यक्तिना नाम आव्या ने राम अने श्याम। तो जो राम नीचे लीटी करेली छे अने श्याम नीचे लीटी करेली छे। तो पेलुं वाक्य शुं आपेलुं छे? पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो आमा केनी नीचे अंडरलाइन आवशे? तो के पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो पूजन अने परीक्षा, पूजन नीचे अंडरलाइन करवानी अने परीक्षा नीचे अंडरलाइन करवानी। बीजूस, तो सब अंबाजी जा रहे थे। तो आमा अंबाजी, अंबाजी शुं थयुं? तो एक स्थान थयुं। तो स्थान नीचे लीटी करवानी छे। पछी त्रीजो वाक्य छे, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब, गुलाब अने फूल ए शुं थयुं? तो के फूल एक वस्तु छे अने गुलाब रंग नाम छे। तो गुलाब अने फूल नीचे लीटी करवानी छे। पछी छे नंबर 4, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो आमां नाम शुं आव्युं? तो के हिमालय। तो हिमालय नीचे लीटी करवानी छे। पछी पांचमुं छे, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली, बिल्ली नाम छे ने दूध ए वस्तु छे। तो बिल्ली नीचे अने दूध नीचे लीटी करवानी छे। पछी प्रश्न 7, अंदाज अपना आपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। अगर शिकारी नी बदले तमे हो तो तमे शुं करत, ए तमारे लखवानुं छे।